हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स क्या आप जानते हैं कि लोअर सेगमेंट होने के बाद भी नेक्सॉन एलिवेट के कंपैरिजन में मार्जिनली ज़्यादा वाइड है खैर इस वीडियो में हम न्यू नेक्सॉन और एलिवेट के मोस्टली प्राइज्ड वेरिएंट्स कंपेयर करेंगे ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सी कार लेना ज़्यादा सेंसिबल होगा ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौन सी कार ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और वैल्यू यानी अप कौन सी कार बेटर वैल्यू डिलीवर करती है को करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं प्रेजेंट से हमेशा व्हाइट सेल से मार्ग रहेगा नेक्स Creative क्रिएटिव और एलिवेट एस वी का एक शोरूम प्राइस सेम है एंड देर अ डिफरेंस ऑफ जस्ट नाइन्टी रुपीज़ इन द एक शोरूम प्राइस एंड वन हंड्रेड फाइव रुपीज़ इन द ऑन रोड डेली प्राइस अगर आप इन कार्स का ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी में देखना चाहते हैं तो भी थ्री कार्स की वेबसाइट पर देख सकते हैं क्योंकि ये कार्स जस्ट अभी लॉन्च हुई हैं तो इस वीडियो में हम इन कार्स की रीसेल वैल्यू या डिप्रिसिएशन कॉस्ट कम्पेयर नहीं करेंगे एंड वी विल कम्पेयर देम बेस्ड ऑन देअर ऑन रोड प्राइस ओनली चलिए अब इन कार्स की रनिंग कॉस्ट करते हैं

सो बेस्ड ऑन ओल्ड नेक्सॉन्स क्लेम्ब्ड एफिशियंसी एंड एलिवेट्स क्लेम्ड फ्यूल एफिशियंसी फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर चलाने के बाद इन दोनों कार्स की फ्यूल कॉस्ट में फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज का डिफ्रेंस होगा नेक्सॉन बिंग द कार दैट इज ईजियर ऑन द पॉकेट सो ऑन रोड प्राइस मेंटेनेंस ऑफ फ्यूल कॉस्ट के बेसिस पे आफ्टर फाइव ईयर्स एंड फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर नेक्सॉन क्रिएटिव एलिवेट एस वी से अराउंड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज कम कॉस्ट करेगी चलिए देखते हैं कि रोड प्रेजेंस परफॉर्मेंस और फीचर्स के बेसिस पे

इट इज़ बर्थ थोटिंग के टाटा ऑफिशियली नेक्सॉन का बूट थ्री एटी टू लीटर्स क्लेम करता है जो कि रूफ तक की बूट स्पेस है एलिवेट की बूट कैपेसिटी पार्सल ट्रे तक ही मेजर्ड है एट नेक्सॉन्स फर्स्ट ड्राइव वी क्लैरिफाइड विद टाटा ऑफिशियल्स अबाउट इट एंड दिस ए कि न्यू नेक्सॉन की बूट स्पेस पुरानी नेक्सॉन जितनी ही है विज इज थ्री फिफ्टी लीटर्स एलिवेट और नेक्सॉन दोनों में सिक्सटीन इंच व्हील्स मिलेंगे कंसिडरिंग ऑल द डायमेंशन विथ कार्स के कार साइज कंपेरिजन टूल के अकॉर्डिंग एलिवेट को बड़े व्हील बेस ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और बड़े बूट का एडवांटेज मिलता है जिसकी परसीव कॉस्ट अराउंड वन लाख रुपीज है चलिए अब इनके इंजन स्पेसिफिकेशन कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है वेराज एलिवेट में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है नेक्सॉन में जहां थ्री सिलेंडर इंजन आता है वहीं एलिवेट का इंजन फोर सिलेंडर यूनिट है दोनों इंजन का पावर आउटपुट सिमिलर है लेकिन नेक्सॉन का वेट एलिवेट से ज़्यादा है तो इसकी पावर टू वेट रे स्लाइटली कम है क्योंकि नेक्सॉन का इंजन टर्बो चार्ज है तो इसका टॉक आउटपुट एलिवेट के इंजन से 25 फाइव मीटर ज़्यादा है एंड द टॉक टू वेट रेशो इज सेवेंटीन मीटर पर टन मोर जिन वेरियंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें इन कार्स में सिक्स स्पीड नानल ट्रांसमिशन आता है नेक्सॉन के टर्बो पेट्रोल इंजन को बेटर टॉक टू वेट रेशो का एडवांटेज मिलता है तो इसकी ड्राइवेबिलिटी बेटर होगी एलिवेट के इंजन में ज्यादा और इवन नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं तो ये ज़्यादा रिफाइंड होगी वीथ्री कार्स के इंजन कंपेरिजन टूल के अकॉर्डिंग ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे की परसिव्ड कॉस्ट को ऑलमोस्ट ऑफसेट करते हैं लिविंग द नेक्सॉन विद स्लाइट एडवांटेज चलिए अब इन कार्स के फीचर्स कंपेयर करते हैं नेक्सॉन क्रिएटिव और एलिवेट एस वी में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस्ट एलईडी हेडलैम्प और डे नाइट कॉमन एम जैसे अलावा दोनों कार्स में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआवीएम हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और टिल्ट स्टेरिंग एडजस्टमेंट जैसे फंक्शनल फीचर्स भी आते हैं दोनों ही कार्स में बंपर्स और डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड है विच स्टाइल रिलेटेड कॉमन फीचर्स आप अभी टेबल में नेक्सॉन क्रिएटिव और एलिवेट एस के सभी कॉमन फीचर्स देख सकते हैं नेक्सॉन क्रिएटिव में कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो एलिवेट एस में नहीं आते जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वे वाइपर एंड वॉशर वे पार्किंग कैमरा साइडिंग कर्टन ईयर बैग्स टच स्क्रीन इंफोटेनिंग सिस्टम विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओ मल्टी ड्राइव मोड्स कूल्ड स्टोरेज डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स और एलॉय व्हील्स आप अभी टेबल में नेक्सॉन क्रिएटिव के सभी यूनिक फीचर्स देख सकते हैं एलिवेट एस में ऑन द अदर हैंड 60-40 स्प्लिट रियर सीट विद एडजस्टेबल रियर हेड रेस्ट टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग एडजस्टमेंट फ्रंट आर्म और एयर प्योरिफायर मेन यूनिक फीचर्स हैं एलिवेट एस के सभी यूनिक फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं क्लियरली इन दोनों कार्ड में से नेक्सॉन क्रिएटिव ज्यादा फीचर we that, SV, है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दैट क्योंकि एस वी का एंट्री लेवल वेरिएंट है वेराज क्रिएटिव नेक्सॉन का मिड वेरियंट है हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग नेक्सॉन क्रिएटिव के यूनिक फीचर्स की परसिव्ड वैल्यू अराउंड वन लाख रुपीज़ ज़्यादा है सो बेस्ड ऑन साइज परफॉर्मेंस एंड फीचर्स एलिवेट एस वी और नेक्सॉन क्रिएटिव की परसिव वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड द नेक्सॉन केट्स अ स्लाइट एडवांटेज ऑफ अराउंड वन थाउजेंड रुपीज़ चलिए अब इस कंप्लीट कंपेरिजन को सम करते हैं सेट आपके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाए लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो so दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट की मिल जाएं। इस वीडियो में हमने और एलिवेट को कंपेयर किया जिनका ऑनरोड प्राइस सेम है ड्राइविंग ओनरशिप एलिवेट एसपी से कम होगी मेनली बिकॉज ऑफ इट्स लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट एंड स्लाइटली बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। इन दोनों कार्स में से एलिवेट को साइज़ का और नेक्सॉन को यूनिक फीचर्स का एडवांटेज मिलता है लेकिन वैल्यू वाइज ये दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करते हैं सो मेनली बिकॉज ऑफ अ लोअर रनिंग कॉस्ट नैक्सॉन क्रिएटिव एलिवेट एस से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है जिसकी परसिव्ड कॉस्ट अराउंड फिफ्टी सेवन है सो so क्लियरली अगर आप इन दोनों कार्स को लेकर कन्फ्यूज हैं और आप इनमें से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी या फीचरिच कार लेना चाहते हैं तो नेक्सॉन ले लें बट अपार्ट फ्रॉम साइड कट एयर बैग्स एंड रियर वाइपर नेक्सॉन ले आप मेनली इसके गुड टू हैव टाइप यूनिक फीचर्स पे स्पेंड करेंगे एलिवेट का फिफ्टी सेवन थाउजेंड रुपीज का परसीव्ड कॉस्ट प्रीमियम विल गो इन टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी पुट ऑन पेपर लाइक कम्फर्ट सीट क्वेश्चनिंग एंड रिफाइनमेंट एलिवेट में कुछ बेसिक फीचर्स मिसिंग हैं बट मैनी ऑफ दैम कैन बी रेट्रोफिटेड लाइक इन इन्फरटेनमेंट सिस्टम रिपोर्टिंग कैमरा टी पी एम एस एलोयील्स एंड रियर पार्सल ट्रे अगर आप इन दोनों में से कोई एक कार ले रहे हैं तो कौन सी लेंगे और क्यों ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मुझे इन्हीं दोनों कार्स में से कोई एक कार लेनी होती तो इसके साइज़ बेटर ओवरऑल क्वालिटी एंड बिकॉज इट्स अ वेल राउंडेड पैकेज मैं एलिवेट पे कुछ प्रीमियम दूंगा एंड आई वुड बाय द होंडा। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि ये दोनों कार्स लेटेस्ट जी एन क्रैश टेस्ट पर रेटेड नहीं हैं नेक्सॉन में जहाँ थ्री ईयर और वन लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी आती है वहीं एलिवेट में थ्री ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी है टाटा और हॉन्डा दोनों का नेटवर्क नेशन वाइड है और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो वी होप इसे देखने के बाद आपकी नेक्सॉन क्रिएटिव और एलिवेट एस को लेकर कुछ कन्फ्यूजन कम हुई होगी इन दोनों कार्स की वेरियंट्स एक्सप्लेन वीडियोज़ आपकी वी थ्री कार्स पर देख सकते हैं अगर आपके इन कार्ड्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट वी थ्री कास्ट डॉट कॉम पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है